भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किसले तिवारी ने अग्निपथ योजना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात रखते हुए कहा कि जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में काबिज हुए हैं, देश में युवाओं के विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं और कई योजनाएं लाई जा रही हैं। ऐसे में अग्निपथ योजना भारत में ऐसा पहला प्रयोग है जो देश के युवाओं के भविष्य को सुधारने की दिशा में एक सराहनीय कदम होगा और जो युवा सेना में भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए भी शानदार अवसर है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कंसेप्ट को सभी राज्यों को अपनाना चाहिए। राज्य पूरे दुनिया देश भर के युवाओं के लिए और भारत में पहला ऐसा प्रयोग हुआ है जिसमें थल सेना, वायु सेना और जल सेना तीनों सेना में हमारे देश के युवा अपने भविष्य को बेहतर करने के लिए, भविष्य को सुधारने के लिए अपना छोटे से कार्यकाल में भी समय दे सकते हैं। अब तक का कार्यकाल लंबा हुआ करता था लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको शॉर्ट टर्म, जिसके अंदर देशभक्ति की भावना है, जिसके अंदर राष्ट्र सेवा देश सेवा करने की भावना है, वो इस तरह से भी प्रत्यक्ष रूप से भी आकर के देश की सेवा को में अपना योगदान दे सकता है। महज 17.5 साल की उम्र से लेकर के 21 साल की उम्र के युवाओं के लिए 4 साल की यह अवधि देश सेवा के लिए, देश की भावना के साथ देश की सेवा में लगाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है। इस स्कीम के तहत पूरे भारत के युवा जो भी सेना के मेडिकल और हेल्थ का जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के आधार पर, उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और 1 साल में 46,000 से अधिक हम इस स्कीम के तहत युवाओं को सीधा नौकरी से जोड़ने का कार्य करेंगे। न्यूज़ विंग के लिए रांची से अलीशा रानी की रिपोर्ट।